exhibition. बहुत बहुत बेहतरीन मूवी है, बहुत अच्छे से बनाई गई है, बहुत प्यारा है, बहुत नाइस, एक्सेलेंट, बहुत मज़ा आया। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसी हमेशा रह चुकी है वैसी ही रही इस बार भी है, तो काफ़ी आई होप इट गोज़ वेरी नाइस। एंड मैं हर सीक्वेंस देखा हूँ, हर बार कुछ नया देखने मिला है और इस बार भी वही सेम नया एंड वेरी नाइस, लवली। हाँ जी कुछ ज़्यादा उतना रोल नहीं, जो हमेशा आर्टिस्ट रहे वही है, तो काफ़ी मज़ा आया। हाँ जी गैंगस्टर का, हाँ इसमें क्या खास है? गैंगस्टर का तो कोई पॉइंट नहीं, एंड काफ़ी अच्छा लगा है, एंड जो है काफ़ी देखने लायक है, तो एंड काफ़ी अट्रैक्टिंग है इंस्टेड ऑफ गैंगस्टर नॉर्मल जैसे ही। इस बार साहेब ज़्यादा अच्छे लगे गैंगस्टर से, सो बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर देखेंगे। मैं आउट ऑफ 5, 4.5। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाय सर, क्या गंदा लगा आपको मूवी का, मतलब कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगा? इतनी स्टोरी में कुछ दम नहीं है। परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए गैंगस्टर रोल के लिए संजय दत्त काफ़ी फेमस है, हाँ उनका पार्ट नहीं अच्छा लगा होगा आपको? उसकी भी एक्टिंग में कुछ दम नहीं है। अच्छा देखा जाए तो ये तीसरी सीक्वल है फिल्म की, तो कंपेयर टू अदर फर्स्ट पार्ट अच्छा था, फर्स्ट पार्ट अच्छा था। परफॉर्मेंस की बात करें साहेब अच्छे लगे गैंगस्टर, साहब ज़्यादा अच्छे लगे कि गैंगस्टर मीन संजय दत्त? साहिब 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 फिर से देखना चाहेंगे फिर? नहीं। कितने स्टार देना चाहेंगे आउट ऑफ 5? 3। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। फिल्म बहुत अच्छी है, इससे पहले मैंने पहले दो पार्ट देखे हैं तो तिग्मांशु धूलिया से काफ़ी उम्मीद थी। फर्स्ट पार्ट वॉज दी बेस्ट, सेकेंड पार्ट मुझे थोड़ा एवरेज लगा था, अगेन दिस पार्ट इज़ वेरी एंगेजिंग एंड वेरी एंग्रॉसिंग, तो बहुत अच्छी लगी। काफ़ी अच्छी, आई थिंक दिस द होल क्रेडिट ऑफ दिस मूवी गोज़ टू माही गिल, उनका रोल बहुत ही पावरफुल है और वो इतना इतना मतलब पावरफुली यू नो निखर के आई है इस मूवी में कि इफ़ इट्स वॉचेबल इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हर, क्योंकि मूवी की अगर लेंथ देखी जाए इट्स लाइक अराउंड 2.5 आवर्स, बट माही गिल ने ही मूवी को बांध के रखा है टिल दी एंड, काफ़ी अच्छे हैं। हाँ इट वॉज़ गुड टू सी हम आफ्टर लॉन्ग टाइम। माही गिल आई थिंक जो यू नो अपने रोल में बहुत अच्छी थी, और संजय दत्त का जो रोल था वो थोड़े से वो कम कंसिस्टेंट लगे मुझे, कुछ रोल्स में बहुत अच्छे थे, कुछ रोल्स में थोड़े से स्टिफ थे, बट मज़ा आया उनको देख के। आई एम सॉरी आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। जिम्मी शेरगिल तो बहुत ही बेमिसाल एक्टर है, उनका बहुत ही संजीदा रोल होता है हमेशा, और आई थिंक जिम्मी शेरगिल वॉज मच बेटर देन संजय दत्त, आई थिंक डेफिनेटली 3.5। फिल्म बहुत अच्छी थी, क्या उसे कहते हैं फर्स्ट हाफ फिल्म का जो है, जो जब हम पार्ट टू का जहाँ पे छूट गया था 2013 में, जो कैरेक्टर बिल्डअप करने में थोड़ा सा लग गया और हल्की इसका हल्का सा जो प्लॉट है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि जो कैरेक्टर बिल्डअप हो रहा है हमें समझ में आ रहा है अच्छा अच्छा स्टोरी यहाँ पे छूटी थी, यहाँ से आने की कोशिश कर रहा है ये कैरेक्टर, यहाँ से आने की कोशिश कर रहा है, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्लो बिल्डअप होता है। फिर वो क्या है एक्चुअली जो फर्स्ट हाफ है ना वो छोटा भी है और वो बिल्डअप हो रहा होता है, सेकेंड हाफ में जाके जो स्टोरी है बहुत ही थ्रिलिंग, बहुत ही सस्पेंस, और जो शरारतें हमें देखने को मिली थी यू नो पार्ट 1, पार्ट 2 में, उसमें साहेब कभी शरारत करता है, फिर उसके बाद बीवी शरारत करती है, फिर गैंगस्टर इन्वॉल्व हो जाता है, इसमें जो सेकंड हाफ में उसमें शरारती शरारत भरी हुई है, साहेब अपने तरीके से शरारत कर रहा है, माही गिल जो बीवी है वो तो गज़ब है यार, वो तो मतलब सुधरने का नाम ही नहीं लेने वाली है, ठीक है वो तो मानती ही नहीं है, ठीक है, और गैंगस्टर भी फिर कैसे इन्वॉल्व होते हैं, सो वैसे स्टोरी बिल्डअप होती है, और सेकंड हाफ जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं तिग्मांशु धूलिया साहब है, मैं उनका बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, और कल संजय दत्त की एक्टिंग मतलब ऐसा तो लग ही नहीं सकता, मतलब बहुत लोग बोल रहे हैं ना बहुत टाइम के बाद स्क्रीन में आ रहे हैं और गैंगस्टर का रोल कर रहे हैं, वो मतलब संजय दत्त साहब जो गैंगस्टर का रोल है ना उनके लिए शायद वो बने हैं, मतलब उन पर इतना सूट होता है, कभी भी ऐसा देख के लग नहीं रहा यार मतलब छोड़ चुके हैं, हाँ वो बहुत टाइम से छोड़ चुके हैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग है। पिछले दो बार से अगर कंपेयर करूँ तो जैसे रेस में 1, 2, 3 होता है, सो मैं उसी हिसाब से रेट करूँगा, अगर 1 था 1 था 2 था 2 और उसके बाद 3, 3, क्योंकि क्या होता है ना स्टोरी को अगर आप जो जो खींचा होता है पहला जो फर्स्ट हाफ था वो ओरिजिनल हमेशा रहता है, बिकॉज दैट वाज समथिंग यूनिक, हमने कभी वो देखा नहीं था पार्ट 1, जैसे साहब भी यार ऐसी स्टोरी ऐसे भी करते हैं, ऐसे खानदानों में बड़े बड़े खानदानों में ऐसी हरकतें करते हैं लोग, हाँ और वो देखा था, उसके बाद सेकेंड जैसा था ठीक है, सेकेंड में एक नया गैंगस्टर आता है, थर्ड में एक अलग गैंगस्टर और थोड़ा सा कमर्शियल्स देने का कोशिश किया गया, लेकिन
इतना भी ये नहीं है, मतलब इतना भी नीचे नहीं है। चिंतारानगा मैम की बहुत ज़्यादा स्क्रीन स्पेस है नहीं, ठीक ठाक स्क्रीन स्पेस है, जितना है अच्छा है। माही गिल मैम वॉज सुपर, मेरी इस फिल्म में माही गिल फेवरेट रही है। पार्ट टू में इरफान सर मेरे फेवरेट रहे थे और पार्ट वन में रणदीप हुड और जिमी शेरगिल से मुझे देखते ही प्यारा हो गया था। इस फिल्म में माही गिल बहुत ही ज़बरदस्त रोल है। गाने ओके ओके, बहुत ज़्यादा ज़्यादा का म्यूज़िक है नहीं, ठीक ठाक गाने। बीवी बीवी सच में यार बहुत ही प्यारा रोल है, मतलब क्या है ना कि वो पता ही नहीं चल रहा यार, कभी इस तरफ कभी इस तरफ, अभी ये गड़बड़ करेगी अभी ये गड़बड़ करेगी, फिर पता लग जाती नहीं मैं सुधर गई हूँ, नहीं नहीं सुधरेगी वो बीवी, नहीं सुधरने वाली है। माही गिल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, देख रहे हैं हम लोग पार्ट वन से पार्ट टू से। इस वाले फिल्म में तो बिल्कुल भी नहीं सुधरने वाली है, इस वाले फिल्म में सबसे ज़्यादा आपको मज़े जो है बीवी देने वाली है। साहेब और गैंगस्टर तो है ही है। 3.5 थैंक यू सो मच। फिल्म तो मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मैं बस बाबा को देखने आया था इसलिए, बाबा का बड़ा फ़ैन हूँ तो मेरे को बाबा बहुत अच्छे लगे, उनसे जो काम कराया है बाखूबी उन्होंने वो काम किया है। So, पहली दूसरी पार्ट में देखा जाए, पहली दूसरी आपने देखी थी? हाँ सब देखी, तीनों पार्ट देखे मैंने। So, उसकी ना, ना, ना कुछ भी नहीं है उनका, 50% भी नहीं है। So, अगर बात करें बाबा के जेल से आने के बाद, ये बहुत बड़ी मूवी थी उनके लिए, तो आपको कुछ खासा इम्प्रेस किया उनके एक्टिंग? नहीं नहीं, मेरे को तो बहुत इम्प्रेस किया बाबा से, जो जो उनको रोल दिया गया है वो उन्होंने बाखूबी निभाया है, तो जो रोल जैसे देंगे वही करेगा, उससे ज़्यादा तो कर नहीं सकते। बट मैं बीच में बोलना चाहूँगा, मैंने जो पोस्टर पीछे लगाया है, आप जरा ये पोस्टर का एक ले लो, मैं उसके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। ये पोस्टर देख के कोई ऐसा फीलिंग मत समझना कि भाई स्मोकिंग बहुत ही डेंजरस होती है, इंजोरियस टू हेल्थ होती है। बस आप ये मैं बोलना चाहूँगा, कॉशन है मेरी तरफ से, ये मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ इसलिए ये पोस्टर लगाया बस। अच्छा, एज एक फैन क्या आप बोल सकते हैं कि ये बाबा के लिए गलत डिसीजन है ये मूवी करना? नहीं नहीं बिल्कुल ज़रा भी नहीं है, बाबा को फिल्में तो करनी है, ऐसा नहीं है कि हर पिक्चर वो करेंगे तो हिट रहेगी, ठीक है, जो उनके पास रोल आते हैं और जो उनके देखो उनके भी एडवाइज़र होंगे कोई ना कोई, वो उनको गाइड करते हैं कि आप पिक्चर कर लो, बड़े डायरेक्टर है बड़े प्रोड्यूसर है तो बाबा कर लेते हैं पिक्चर, पर धीरे धीरे आज ये एज में भी उनको सीखना है कि कौन सी पिक्चर लेनी कौन सी नहीं लेनी। इतने के बाद भी मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट वो ये शूटिंग मोमेंट आपकी तरफ से? नहीं बाबा वो डायलॉग जो मारते हैं कि इतने दिनों के बाद जब मैं लौटा हूँ ज़िंदगी के मज़े नहीं लिए, अब ज़िंदगी जी भर के मज़े लूँगा, वो मेरे को बहुत अच्छा डायलॉग लगा और वही मेरे को पार्ट अच्छा लगा। फिल्म में ट्रैक भी है बाबा बाबा ईद बाबा ईद बाबा, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, पर उसको थोड़ा और ज़्यादा पंच देके किया होता तो मज़ा आ जाता। और कितने स्टार देना चाहेंगे आउट ऑफ 5? कुछ नहीं दूंगा मैं तो, यहाँ ये मूवी के लिए कुछ नहीं बट बाबा के लिए 100 out of 100। नहीं मेरे को तो बाबा का वो डांस वाला स्टेप अच्छा लगा था, पैर दर्द हो रहा है नहीं तो करके दिखा, नहीं बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखिए सर ये थर्ड पार्ट था साहब बीवी गैंगस्टर सीरीज़ का, तो कंपैरेटिवली जब भी आप कोई पार्ट में देखते हो मूवीज़ तो आप हमेशा कंपेयर करते हो, मुझे पर्सनली सेकंड वाली ज़्यादा अच्छी लगी थी क्योंकि उसमें इरफान खान थे, बट ये मूवी भी अच्छी है। मूवी के सॉन्ग्स ऐसे हैं कि जब अब लोग पिक्चर देखेंगे तो सॉन्ग्स को और सुना जाएगा, क्योंकि अब तक पिक्चर की बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं की गई थी। इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि संजू बायोपिक जो आई थी उसके बाद यही मूवी है जो कि पहली है संजय दत्त की, तो एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी। आज कई सारी मूवी एक साथ रिलीज़ हुई है, मिशन इम्पॉसिबल भी आज ही रिलीज़ हुई है, आज नवाबजादे भी रिलीज़ हुई है, तो उन कंडीशंस में कॉम्पिटिशन था, बट फिर भी हॉल में अच्छे खासे लोग थे और लोग देखना चाहते थे संजय दत्त को। देखिए साहब बीवी गैंगस्टर की जो भी स्टोरीज होती हैं हमेशा उसमें काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न होते हैं, तो वो इसमें भी थे, और हर एक डायरेक्टर का डायरेक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है, एक्टर्स का अप्रोच डिफरेंट होता है, तो ऑब्वियसली हम मूवी को कंपेयर तो नहीं कर सकते, बट हाँ ये मूवी भी काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न वाली थी, इसमें माही गिल का काफ़ी फ्लिपिंग रोल है थ्रू आउट, सो या आई मीन इट वॉज गुड। देखिए वो उन पर काफ़ी जचता है मैं ये कह सकता हूँ, और काफ़ी मतलब जस्टिस कर पाते हैं वो उसके साथ। आई थिंक वन ऑफ द रीज़न इसीलिए साहब बीवी गैंगस्टर 3 में उन्हें लिया गया, क्योंकि सेकंड में इरफान खान थे, फर्स्ट में रणदीप हुड्डा थे,
तो अगर आप इन सारे एक्टर्स को देखो तो ये उस तरीके के एक्टर्स हैं जो कि उस तरीके का वाइब देते हैं. सो हाँ, डेफिनेटली मतलब उन पर सही था ये रोल. आई थिंक गैंगस्टर फॉर श्योर. देखिए मैं दूंगा 3 out of 5 स्टार्स और मैं बोलूँगा कि इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस. आई मीन आई एम गुड. सो कैसी लगी मूवी आपको? अच्छा लगा मूवी. संजय दत्त की एक्टिंग काफ़ी टाइम बाद. हाँ, बहुत पसंद आया. और चित्रंगना सिंह, माही गिल, जिमी शेट्टी, किसकी एक्टिंग आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? एक्टिंग सबका, लेकिन मेरे को सबसे खास संजय दत्त का, बाबा का अच्छा लगा. अच्छा, गाना कौन सा अच्छा लगा? गाना जो पहले गाना वही अच्छा लगा. अच्छा, कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स है मूवी में? मतलब ट्विस्ट एंड टर्न्स घुमा फिरा के मूवी दिख रही है कुछ ऐसा? हाँ, लास्ट में थोड़ा ऐसा लगा. अच्छा, लास्ट में कितने स्टार्स होने चाहिए? कम से कम 4 तो मिलेंगे. थैंक यू सो मच. ओके, सो हाउ वाज द मूवी? मूवी वाज क्वाइट ओके, नॉट सो गुड. द स्टोरी वाज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, बट या I think next part will be coming soon. So we will wait for the movie, next movie. So according to you, how was the movie, chakas or bakwas? It was not bakwas, it was okay. It was good effort from Sanjay Dutt and all the other actors. So it was okay movie, not bad, not good. How many stars would you like to give? 2.5. Okay, so is there any comparison of the previous movie as part 1 was also there? Yeah, little bit. But the movie was okay, like time pass. Who's acting you like the most? Acting Sanjay Dutt. Okay. Yes. And one song you like the most? Like the song, I didn't like any song. Thank you, sir. Okay, you're welcome. Apart from Randeep, Irfan and Sanjay, who do you think is a better villain? Randeep. No, it will not affect this Sanju's movie. It is Sanju movie is totally different. So is it paisa vasool for you? No. Not paisa vasool. It was a time pass movie. If you don't have any other work, you can come and you can watch the movie. That's it. So how did you find Sanju's acting? Yeah, Sanju is always good. Like he's acting like Don Bhai. Sanju Baba. So it was like Baba style acting for him. Okay, you're welcome. Mind boggling. बहुत संजय दत्त इज रॉकिंग. तिकमांशु धुलिया ने अगेन प्रूव कर दिया है कि वो कितने फैंटास्टिक और कितने बढ़िया डायरेक्शन है. एक बहुत टाइम बाद संजय दत्त की बहुत अच्छी मूवी आई है और साहेब बीवी बहुत चलेगी, बहुत पिक्चर हिट हो जाएगी. संजय दत्त की पर्सनालिटी ऐसी है कि वो जहाँ खड़े होते हैं वो बेंचमार्क क्रिएट करते ही हैं. वो मूवी में और भी आर्टिस्ट है, चित्रंगना, माही गिल एंड जिमी शेट्टी. माही गिल भी बहुत ही अच्छे हैं. चित्रंगना, उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस भी की है, उनका रोल भी बहुत बढ़िया है. और वो पुराना गाना जो उन्होंने रीमेक किया है वो तो माइंड बोगलिंग है. ऐसा कुछ भी नहीं है. जो उनका क्राफ्ट है तिकमांशु जी का, उसी क्राफ्ट के उसी बेस पे गए हैं. फर्स्ट बहुत बढ़िया, सेकंड उससे बढ़िया और थर्ड माइंड बोगलिंग. मेरे हिसाब से 3.5. ओके, सो हाउ वाज द साहेब बीवी गैंगस्टर 3? इट वाज नाइस, इट वाज गुड. सो हु इज एक्टिंग यू लाइक द मोस्ट? माही गिल, जिमी शेट्टी एंड चित्रंगना सिंह. संजय दत्त, आई लाइक संजय दत्त. या So do you like the Sanjay Dutt in Gangster or you wanted him to be seen in the normal character? No, no, I would prefer him in Gangster. Any power that you didn't like it? No. Lastly, how many stars would you like to give? I'd rate about 4.5. Thank you so much. Thank you. So kaisi lagi aapko movie Saheb? Picture to bahut achhi hai. Pehle se bhi ye second aap bahut acha hai. Aur Sanjay Dutt mind blowing. और गेल ये भी बेस्ट, डायरेक्शन तो वेरी गुड है. पिक्चर मेरे ख्याल से बहुत चलेगी. आपके हिसाब से मूवी झकास है या बकवास? एकदम झकास, बोलेगा तो बाबा. एकदम झकास. कितने स्टार्स देना चाहेंगे? 3.5.
संजय दत्त की जो गैंगस्टर का किरदार है वो एक नया बेंचमार्क सेट कर सकती है? ऑफकोर्स, संजय दत्त को ये फिल्म बहुत हाई लेवल पे लेके जाएगी, जो अभी जो बनी है ना बहुत हाई लेवल पे। रणदीप, इरफान और संजय, तीनों में से किसकी? ओनली बाबा, अब मैं बाबा का फैन हूँ, ओनली बाबा। उनका भी अच्छा है लेकिन ओनली बाबा मेरे लिए। गाना कौन सा अच्छा लगा आपको? गाना तो है, गाने तो सब अच्छे है, ये आज लग जा गले वो जो एकदम बेस्ट गाना है। नहीं नहीं, पब्लिक का तो बहुत अच्छा मिलेगा, 100% मिलेगा, और पब्लिक के वजह से पिक्चर चलेगी, बहुत चलेगी। जब जैसा वो संजू चला इस हिसाब से चलनी चाहिए। क्या आपके लिए पैसा वसूल फिल्म है? आपको मेरे लिए तो आइए, बाकी मालूम नहीं, मेरे लिए पैसा वसूल फिल्म। इट वॉज गुड, आई विल से इट वॉज एन एवरेज मूवी। वाई? बिकॉज I have seen all three, so I prefer the second part. So like, does it Sanju in this movie will make any kind of a benchmark or something like that? I think it should, because as compared to Sanju, if you see, wo bahut marketing mein paisa kharch kiya, you know, it had really laid back people, you know, it had put a very good effect on people. Ek aisi movie jo aapko theater mein bahar aane ke baad third time ke liye carry karti hai, I think that is the kind of movie I think India should have. So after that, हाँ, बेंचमार्क बहुत बड़ा है, बट आई थिंक करेगा, बिकॉज ऑल मूवीज हैव डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स, यू नो, सो आई थिंक इट शुड डू। वी टॉक अबाउट द डायरेक्शन एंड सॉन्ग्स, व्हाट एग्जैक्टली यू लाइक इट? आई लव द सॉन्ग, दैट्स लग जा गले। बाकी डायरेक्शन ठीक था, एक्टिंग भी अच्छी थी, चित्रांगदा वॉज गुड एक्चुअली इन द मूवी, आई शुड मेंशन दैट। सो हाउ मेनी स्टार्स वुड यू लाइक टू गिव? आई थिंक 3.5 to 4 stars will do for this movie. ओके, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम।